राजस्थान बीजेपी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन करा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 की लड़ाई के अंदर राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। इसका खामियाजा, इसका नुकसान राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माइग्रेंट वर्कर्स को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। आप अचंभा करिएगा कि केंद्र सरकार ने 3,000 ट्रेनों का बंदोबस्त करा, लेकिन राजस्थान सरकार ने माइग्रेंट लेबर के लिए मात्र 43 ट्रेनों का इस्तेमाल करा। और वहीं उत्तर प्रदेश ने 1370 ट्रेनों का इस्तेमाल करा, बिहार ने 1100 से ज्यादा ट्रेनों का इस्तेमाल करा, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र 43 ट्रेन। जहां राजस्थान सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चावल और गेहूं 6,30,000 टन उठाए, वहीं केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवंटन करा 6,70,000 टन का। जहां दाल केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नाफेड से 11,900 टन उठाया, वहीं केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवंटन के अंदर 33,500 टन राजस्थान को दिया। आज राजस्थान की समस्या पानी की भी है, लेकिन राज्य सरकार ने इसको जानने के बावजूद कोई समाधान नहीं करा। टिड्डी दल हमला कर रहा है, लेकिन टिड्डी दल की जानकारी होने के बावजूद राजस्थान सरकार इस पे काबू नहीं कर पाई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप सब जानते हैं। दिन दहाड़े गैंगरेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, यहां तक कि आप पुलिस भी, वर्दी वाले भी खौफ खा रहे हैं।